जीटी हिंदी में दोस्तों हम बहुत सारे गैजेट रिव्यूज करते हैं और उसमें से एक गैजेट है स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ ईयरफोन्स। अब मैं स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ ईयरफोन्स बहुत यूज करता हूं और ऐसे में जो मेरे फोन का जो ब्लूटूथ है और चूंकि मैं अपने वाईफाई से हमेशा कनेक्टेड रहता हूं तो जो वाईफाई है वो ऑन रहता है। तो ऐसे में मेरे पापा ने मुझसे एक दिन पूछा कि आशीष ये तेरा जो ब्लूटूथ है और वाईफाई है ये हमेशा ऑन रहता है तो ऐसे में कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मतलब तेरा फोन कोई हैक नहीं कर सकता और तू ऐसे ऑन करके रखता है और इसके कारण बैटरी लाइफ में क्या इंपैक्ट आता है। तो ये दोस्तों जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना मुझे लगा कि यार आप में से बहुतों को कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या मुझे अपने फोन का ब्लूटूथ और वाईफाई हमेशा ऑन रखना चाहिए और क्या इससे कुछ जैसे जो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट होते हैं वो जुड़े हैं। आइए पता लगाते हैं दोस्तों इस वीडियो में जहाँ पे मैं बात करूंगा इन्हीं दोनों वैल्यूएबल चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइड इन टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो इस वीडियो में दो एस्पेक्ट्स होंगे जहां तक ब्लूटूथ और वाईफाई का सवाल है। एक होगा दोस्तों आपके फोन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और दूसरा होगा सिक्योरिटी वाइज यहां पे क्या लूपहोल्स होते हैं और उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जहां तक ब्लूटूथ और वाईफाई का सवाल है दोनों ही दोस्तों यहां पे एक डिपेंडेंट हार्डवेयर पे काम करते हैं और जब आप अपने फोन का ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन रखते हो तो वो हार्डवेयर और वो सॉफ्टवेयर मिला करके जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। बट ऐसे में अगर मैं जैसे स्मार्ट वॉच यूज़ करता हूँ, मैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ तो ये स्मार्ट वॉच हमेशा कनेक्टेड रहती है मेरे फ़ोन से और इससे क्या होता है कि ये जो डेटा मेरे फ़ोन पे देता है सोने का, दौड़ने का, खाने का, पीने का, सबका डेटा वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो जो डेटा है वो मेरा फ़ोन एनालाइज करता है और इसके लिए उस ब्लूटूथ का ऑन रहना हमेशा ज़रूरी है। हाँ, जो बैटरी है दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होती है बट एट द सेम टाइम ये मैंने खुद ने डिसीजन लिया है कि हाँ ठीक है बैटरी मैं चार्ज कर लूँगा बट ये सारे डेटा मुझे चाहिए। बट स्टिल अगर आप ऐसे कोई डिवाइसेस को यूज़ नहीं करते हो तो उसमें दोस्तों इस ब्लूटूथ को ऑन रखना कोई भी वैल्यूएबल काम नहीं है बिकॉज वहाँ पे आपकी जो डिवाइस की बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी एंड उसके साथ क्या होगा कि वो आसपास के जो डिवाइसेज है ना कहीं अगर आप सेटिंग में देखो कि वो सर्च करता रहता है अगर आसपास कोई म्यूजिक सिस्टम है या कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है या फिर अगर कहीं ना कहीं अगर वो डिस्कवरेबल ऑन रह जाता है तो कोई अगर आपको अगर स्पैम नोटिफिकेशन भेजे तो वहाँ पे वो हो जाएगा। अब डिस्कवरेबल की बात भी दोस्तों यहाँ पे करने की है कि मैं जब भी अपने ब्लूटूथ को ऑन रखता हूँ तो वहाँ पे मैं उसका जो डिस्कवरेबल ऑप्शन है उसे ऑफ करता हूँ। एक बार मेरा डिवाइस पेयर हो जाता है, यहाँ का एड्रेस फोन में पहुँच गया, फोन को पता है कि मुझे कहाँ से कनेक्ट करना है, तो जब डिस्कवरेबिलिटी ऑफ होती है तो कोई दूसरा डिवाइस मेरे परमिशन के बिना मेरे ब्लूटूथ के जो मैक एड्रेस है उसको स्कैन नहीं कर सकता है और यहाँ पे वही सिक्योरिटी वाली बात जो आगे जाकर के आएगी वो तो आएगी बट स्टिल अभी के लिए जो मेरा ब्लूटूथ है वो म्यूट पे रहेगा। वहीं अगर दोस्तों आप वाईफाई की बात करो तो वाईफाई में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप ऑटो डिस्कनेक्ट कर सकते हो और अगर आसपास के अगर नेटवर्क्स को अगर सर्च करना ऑलवेज स्कैनिंग पे रखो तो वो वहाँ पे ज़्यादा बैटरी खाएगा। तो ऐसे में आप अगर अपने घर पे वाईफाई यूज़ करते हो, अपने ऑफिस में हमेशा वाईफाई से कनेक्टेड रहते हो, सिर्फ कम्यूट ही एक ऐसी जगह कि हाँ चलो घर से निकल के गाड़ी तक जाना, गाड़ी से ऑफिस में, वहाँ पे अगर वाईफाई ऑन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर आप मेट्रोज में ट्रैवल करते हो और उसमें एक के बाद एक अगर मेट्रो का जो नेटवर्क है वो स्विच हो रहा है, अगर आप बाहर ज़्यादा जाते हो और वो वाईफाई का कोई काम नहीं है, अगर आप 4G डेटा में हो तो उस वाईफाई कनेक्शन को ऑफ रखो, बैटरी तो आपको ज्यादा मिलेगी एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं होगी। हाँ, अब वैसे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वापस मैं ब्लूटूथ और वाईफाई पे जाऊंगा और ब्लूटूथ में आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने नहीं होते हैं बिकॉज ब्लूटूथ थोड़ा सा जैसे जब दोस्तों बोलते हैं ना पुराना प्रोटोकॉल है तो वहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती कि अगर आपको मालवेयर इंजेक्ट करना चाहेगा तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज सबसे पहले तो फ़ोन आपकी परमिशन मांगेगा कि कोई एक डिवाइस आपको कनेक्ट करना चाहता है और वो आपको फिर कोई फाइल भेजना चाहता है, मतलब कनेक्ट करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन और फाइल भेजने के लिए डिफरेंट ऑथेंटिकेशन। और उसके बाद अगर आपके फ़ोन का जो डिस्कवरेबल ऑप्शन है वो अगर ऑफ रहे तो वहाँ पे कोई भी आपके फ़ोन के ब्लूटूथ को नहीं स्कैन कर पाएगा और कहीं ना कहीं हद तक यहाँ पे आपका फ़ोन जो है सिक्योर रहता है। बट वहीं अगर दोस्तों वाईफाई और हॉटस्पॉट की बात करें तो ये एक फास्टर नेटवर्क है और यहाँ पे आपको ज़्यादा सिक्योरिटी फ्लॉज मिल सकते हैं, इश्यूज़ मिल सकते हैं, एक्चुअली नॉट फ्लॉज। तो होता क्या है कि समझ लो अगर आप किसी मेट्रो के वाईफाई में कनेक्टेड हो या फिर चलो किसी होटल के वाईफाई में कनेक्टेड हो तो वो सारे जो दोस्तों वाईफाई होते हैं वो है पब्लिक वाईफाई और पब्लिक वाईफाई में क्या होगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। और अगर आपके एप्लीकेशन में डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, जैसे समझ लो क्रोम ब्राउजर कोई एक पोर्ट यूज़ करता है, आपका अगर कोई टॉरेंट एप्लीकेशन है, कोई लीगल टॉरेंट अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पे दोस्तों डिफरेंट पोर्ट यूज़ होता है और उन पोर्ट्स को इंजेक्ट करके कोई भी बंदा पब्लिक वाईफाई में आपके जो पर्सनल डेटा को
चुरा सकता है अगर आप एक ढंग का फायरवॉल यूज नहीं कर रहे हो अपने कंप्यूटर में। यहां तक यही बोलूंगा कि अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई में कनेक्टेड हो तो एक अच्छा फायरवॉल अपने कंप्यूटर में अपने फोन में यूज करो। उसके साथ साथ कभी भी बैंकिंग से रिलेटेड वहां पे कोई काम मत करो। जी हाँ, अगर आप पेटीएम में लॉग इन कर रहे हो, अपने बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करते हो, तो वो जो डेटा है कोई अगर दोस्तों पब्लिक वाईफाई में अगर चुरा ले, अगर वो आपका फोन ऑन रहेगा, अगर आप नहीं भी कनेक्टेड आपका वाईफाई अगर ऑन रहेगा तो वहां पे भी दोस्तों आपको वो चुरा सकता है। तो ये एक चीज है जो मैं बोलूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हॉटस्पॉट का कनेक्शन ऑन रखते हो अपना, तो वहां पे भी अगर आपको पता है कि मुझे एक या दो हॉटस्पॉट है वाईफाई कनेक्शन, अगर सिर्फ वहीं कनेक्ट करना है तो सिर्फ उन्हीं का ही ऑप्शन दो। दोबारा अगर आप ओपन रखोगे तो वहां पे वही दोस्तों है कि कोई भी आपका डेटा यूज कर सकता है, कोई भी आपके फोन पे कुछ भी इंजेक्ट कर सकता है। और जहां तक दोस्तों इन सब हैकिंग की बात है तो एवरी डे थिंग्स चेंज। और इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मार्क जकरबर्ग को देख लो, वो अपने कंप्यूटर का, नॉट इवन मार्क जकरबर्ग, किसी को भी देख लो, मुझे देख लो, मैं अपने लैपटॉप में वो जो वेबकैम है उसको ऑफ करके रखता हूँ, जो माइक्रोफोन है वहां पे भी दोस्तों एक प्लग इन पोर्ट रखता हूँ। बिकॉज हैकर्स का क्या है ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर उस वेबकैम को प्रोटेक्ट करते हो, 3.5mm ऑडियो जैक को प्रोटेक्ट करते हो, तो जहां तक अगर आप वाईफाई यूज नहीं कर रहे हो, ब्लूटूथ यूज नहीं कर रहे हो, तो उसको भी दोस्तों या तो हिडन करके रखो या फिर ऑफ करके रखो, बिकॉज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू यहाँ पे आपके आ सकते हैं। बैटरी की बात है वो तो चलो 2-3% जाएगी, लेकिन अगर किसी दिन कुछ प्राइवेट डेटा गया ना दोस्तों, वो जाएगा हजारों लाखों में। डराना नहीं चाहता हूं, बस बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि क्या आपको अपने फोन का ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन ऑन करके रखना चाहिए। ऑन करके रखोगे तो क्या वो हैक होगा। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसके पीछे हमारी अगर मेहनत लगी पसंद आई, तो आपको पता आपको क्या करना है, वो जो लाल सब्सक्राइब का बटन है ना वो दबा दो। नहीं जी, हैक नहीं होगा, वो क्या ना फ्री में नोटिफिकेशन देगा आपको, कोई डरने की बात नहीं है। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर जरूर करो। और बस आज के वीडियो के लिए इतने, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।